हेलो दोस्तों, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो पोस्ट है इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी पोस्ट है। और चलिए डिस्कस करते हैं डायरेक्ट वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स। तो और हम लोग बात कर रहे हैं अभी सेबी की। जी हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि सारी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, कितनी पोस्ट है, क्या है, और इसकी जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है कि अभी फॉर्म कब से शुरू होगा, ये एक्टिवेट कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो अभी नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम्स किस तरीके का होगा और कितनी वैकेंसी है, ये आ चुकी है इसकी नोटिफिकेशन। तो सेबी ने निकाला है रिक्रूटमेंट एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ग्रेड ए ऑफिसर के लिए, जिसमें आपको जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम और इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इन सभी पदों पर इसकी भर्ती होगी। और चलिए देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप, जनरल के लिए जो है कुल पद जो है 84 है। उसमें आपको मास्टर डिग्री डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, या फिर लॉ में बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, बीटेक हो सकते हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी भर सकते हैं उसको, कंपनी सेक्रेटरी भी भर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। तो जनरल का जो पोस्ट है, ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं, सात जो जिनका भी क्वालिफिकेशन है, ये सात डिग्री जिनके पास है, ये इसको भर सकते हैं और क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए लीगल। लीगल यानी कि लीगल जो है उसके लिए 18 पोस्ट हैं, उसको कौन भर सकते हैं, जिनका बैचलर डिग्री है लॉ में, इसको बस वही भर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कुल 8 पद हैं, और इसको जो जिनका भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, वो इसको भर सकते हैं, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है MCA जिसको आप कहते हैं, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद द पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट हो सकते हैं आप, लेकिन आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है इन कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इंजीनियरिंग में सिविल और इलेक्ट्रिकल है, सिविल में जो है उसमें 5 पद है, और इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर डिग्री, BE भी हो सकता है या फिर बीटेक हो सकता है, लेकिन बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आपका जो है, इसमें भी 5 पोस्ट है, उसमें आपका जो है बीटेक होना चाहिए या BE होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये तो थे एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबल पोस्ट हैं इसके लिए, क्या क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन से ये हम लोगों ने क्लियर बात की है इसमें। ठीक है, हालांकि जब लिंक एक्टिवेट होगा उसमें हम लोग फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखिए डायरेक्ट जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। रिजर्वेशन, अगेन रिजर्वेशन जो है ये कॉमन है सबके लिए, आपको जो है अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू OBC SC ST PWD कैंडिडेट। 4% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन तो है, 4% PWD के लिए रिजर्वेशन होता है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट जो है आपका जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन अगस्त 31, 2008, आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन एज में भी कुछ रिलैक्सेशन होते हैं, उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है, जब डिटेल नोटिफिकेशन एक बार रिलीज हो जाएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आगे देखिए सिलेक्शन, इसमें आपको बता दिया गया है कि किस मोड में आपका एग्जाम होगा और किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। जो मार्क्स के, जो कितने मार्क्स में एग्जाम है वो डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा, लेकिन एक तैयारी के लिए आपका जो तैयार हो रहे हैं, जो भी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं या RBI का एग्जाम दे रहे हैं, सेबी का एग्जाम दे रहे हैं या नबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो तैयारी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करके चल सकते हैं कि आपका फेज़ 1 होगा, और फिर यहाँ पे आपका फेज़ 1 में जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, MCQ, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये तो कॉमन है, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो जो भी कैंडिडेट फेज़ 1 में सिलेक्ट होंगे वो फेज़ 2 में जाएंगे। तो फेज़ 1 के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फेज़ 1 में आपको MCQ क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे ऑन जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, और उसके साथ में आपको एक अवेयरनेस आता है सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड, उसको भी आपको इसमें आपको आएगा। इसकी जो मार्क्स डिटेल हैं वो बाद में
सेबी अनाउंस करेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से कितने टाइम आपको मिलेगा, आपको कंबाइन टाइम मिलेगा या हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम मिलेगा, इसके लिए बाद में नोटिफिकेशंस आएंगे। फेज टू होगा इसके बाद। फेज टू में भी आपका जो ऑनलाइन हो एग्जाम होगा उसमें भी तीन पेपर रहेंगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में तीन पेपर आपके रहेंगे। उसके बाद फाइनली आपका एक इंटरव्यू होगा। फेज टू में जो इंटरव्यू, फेज टू में आपका इंटरव्यू, यहाँ पे जीडी का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फेज टू में विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। फेज टू विच विल ऑल्सो बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पेपर, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन फेज टू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो फेज टू में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं फिर से बताऊँ कि जीडी के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर डिटेल नोटिफिकेशन में जीडी लिखा हुआ रहता है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, सर्विस सर्विस कंडीशन, पे अलाउंसेस, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पहले क्लियर करना हमारा मोटिव है, ठीक है। इसको हमने नोटिस में डाल दिया, इसका लिंक मैं आपको वीडियो लिंक में डाल दूंगा, इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। बहुत कुछ है, बहुत बड़ी जॉब है ग्रेड ए असिस्टेंट का, तो आप जान के समझ सकते हैं कि बहुत जो सैलरी है इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। इसकी एकोमोडेशन आपको मिलेगी पोस्टिंग के तहत। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन फीस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 850 रुपये पे करने होंगे जिनका भी अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है, और 100 रुपये आपको पे करने होंगे जिनका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है, आपको मालूम है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं उनको, उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा। कहाँ कहाँ पे होगा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली सेंटर्स में होंगे, ठीक है। तो ये थे कुल मिलाकर के जो डिटेल्स हैं ये हम लोगों ने आपको बताए। आपको तैयार होने के लिए इतना डिटेल्स आई थिंक काफ़ी है, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। इसकी जो मॉक टेस्ट है या इसकी जो तैयारी है उसको भी, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 15 तारीख के जो है लिंक है वो 15 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। आप सभी लोग इस फॉर्म को भरिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये बार बार नहीं आती है। नाबार्ड की ऑलरेडी आ चुकी थी, आरबीआई भी आ चुका है, ग्रेड ए का जो है, ग्रेड बी ऑफिसर जो है उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। जिन जिनका एग्जाम, जिनका वो फॉर्म छूट गया था वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगेन इससे ज़्यादा वैकेंसीज सेबी या नाबार्ड जो भी है इसमें वो रिलीज नहीं करते हैं, लगभग 120 130 इसी तरह के जो वैकेंसीज हैं वो आती हैं। तो तैयारी में जुट जाइए आप लोग, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। और जो भी डिटेल्स हैं इसकी, जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, वो मैं टाइम टू टाइम इसमें पोस्ट करता रहूँगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि और किस तरह से मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। सो बस सभी के लिए इतना ही, थैंक यू।